मौज एप्लीकेशन पर आप सब लोगों के लिए MFC प्रोग्राम आया, और इस MFC प्रोग्राम में जितने भी क्रिएटर्स सेलेक्ट हुए हैं उन सभी क्रिएटर्स को मिंट्स मिलते हैं, ये सभी क्रिएटर्स को पता है। लेकिन मौज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन होने के बाद भी आपको मिंट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है और ये प्रोसेस क्या है मिंट्स लेने का, इसको आज हम थोड़ा सा समझने वाले हैं डीपली इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। टॉपिक को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाओ, यहाँ पर आपको एवरीडे न्यू कॉन्टेंट भी मिलेगा और एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट भी देखने को मिलता है। आपको मिंट्स मिले या नहीं, एवरी वीक Q&A सेक्शन होता है जो कि आज के दिन है, और स्टोरी लगा रखिए, जाकर चेकआउट करें और वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करें। एक तरफ ये बात ख़त्म, अब शुरू करते हैं टॉपिक को। आप लोगों को बताऊं कि मौज फॉर क्रिएटर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म है मौज के अंदर, और भी है लेकिन मौज फॉर क्रिएटर एक ऐसा पार्ट है जहां से आपकी जर्नी में एक चार चांद लग जाते हैं, जिसमें आपको लाइव ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको अर्निंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपकी फेमस होने की जो लाइन है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सभी चीज़ें होती हैं मौज फॉर क्रिएटर के बाद। अब सवाल आता है कि अगर आपने मौज फॉर क्रिएटर ज्वाइन कर लिया है तो आप अभी तक मिंट्स क्यों नहीं ले पा रहे हो। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मौज फॉर क्रिएटर में ज्वाइनिंग हो जाती है तो सबसे पहले आपको कुछ टाइम के ही अंदर सबसे पहले मिलता है आपको मौज बडी, और ये आपको एक एक्सक्लूसिव सपोर्ट के रूप में मिलता है। सपोर्टर्स होते हैं आपके जो आपको डे बाय डे नए नए कैंपेन्स के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बताते हैं, और आप अपनी वीडियोज़ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं उस पर भी ये काम करते हैं। आप जो भी वीडियो इनको शेयर करते हो उस शेयरिंग पर भी आपको ये कैंपेन देते हैं कि ये इस कैटेगरी में आता है, इसको इस तरह के कैंपेन देने चाहिए, आपको कैटेगरी मिल जाती है। मौज बडी का पार्ट ये होता है जो कि यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी आपके साथ बनती है, ये आफ्टर मौज फॉर क्रिएटर आप सब क्रिएटर्स को मिल जाता है। अगर आपको यही नहीं मिलता तो आपकी अर्निंग शुरू नहीं होती है, ये भी मान के चलो, क्योंकि जब आपको मौज बडी मिलता है तो सारी चीज़ें वो ऑनबोर्डिंग कराता है, और ऑनबोर्डिंग होने का ही मतलब आपकी अर्निंग स्टार्ट होनी होती है। अगर आपकी प्रोफाइल अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुई तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर ये भी आपको समझना है ऑनबोर्डिंग कैसे होती है तो #onboarding लिख देना, मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आप अपनी वीडियोस को या प्रोफाइल को ऑनबोर्ड कैसे कर सकते हो। ये बात होती है यहाँ पर ख़त्म। अब सवाल आता है कि अगर मौज बडी भी आपको नहीं मिला है, MFC में सिलेक्शन भी हो गया है, तो भाई साहब आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि मौज बडी के मिलने के बाद आपको लाइव ऑप्शन मिल जाता है, और ये लाइव ऑप्शन मौज बडी से पहले भी मिल जाता है, लेकिन मौज बडी से सपोर्ट में रहते हो तो ये आपको जल्दी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देता है। जब ये होता है तो गिफ्टिंग ऑप्शन आपकी प्रोफाइल पर अवेलेबल हो जाता है, शॉर्ट गिफ्टिंग आपकी प्रोफाइल पर अवेलेबल हो जाती है, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। वीडियो बनाते जाओगे आपको अच्छे व्यूज़ मिलते जाएंगे, सेम व्यूज़ पर आपके कंटेंट के लिए बेस्ट कैंपेन कौन से हैं ये भी आपके मौज बडीज ही आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस पर आपको वर्क करना होता है। जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे वैसे वैसे इंक्रीजमेंट की ओर बढ़ते जाओगे। सिर्फ इतना होता है, मौज फॉर क्रिएटर में आने के बाद कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ। मौज फॉर क्रिएटर में आने के बाद आपका मौज बडी होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आपका लाइव होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आपकी शॉर्ट गिफ्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब जाके आपको मिंट्स मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा, और इन प्रोसेस के अंदर अगर कहीं भी आप अभी तक फंसे हुए हो तो कमेंट कर देना, ताकि मैं उस पर एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो बना सकूँ। खैर, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए समझाता हूँ ताकि आप अपने काम को और इस्टेब्लिश करके पॉलिश करके आगे बढ़ सको। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।